नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत इस वक्त चंडीगढ़ सेक्टर 11 में खड़े हैं। और नवीन जैन की गिरफ्तारी जो है वो विधानसभा के बाहर से कर ली गई थी। नवीन जैन को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद नवीन जैन को सेक्टर 3 थाना ले जाया गया जो विधानसभा के नज़दीक लगता है। उसके बाद नवीन जैन को जो है सेक्टर 11 थाना में जो है क्राइम ब्रांच का फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी थाने के अंदर जो है फिलहाल नवीन जैन और उसके साथ में नवीन जैन की जो भाभी हैं सुमन सांगवान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नवीन जैन की भाभी सुमन सांगवान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। और चंडीगढ़ पुलिस ने इसी क्राइम ब्रांच के जो सेक्टर 11 थाना इस थाने के अंदर जो है उनको बैठाकर फिलहाल रखा गया है। और जानकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र होने के बाद तक ही नवीन जैन को छोड़ा जाएगा। फिलहाल तक ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन इस चीज़ की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीरें आप IBN 24 पर चंडीगढ़ से देख रहे हैं। आपको बता दें ये चंडीगढ़ का सेक्टर 11 का जो थाना है क्राइम ब्रांच का थाना, इस थाने के बाहर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। और आपको एक पोस्टर दिखाते हैं, एक कागज़ दिखाते हैं। ये कागज़ एक बार तस्वीरों में आप देखिए, ये जो न्योता है ये देने के लिए जो नवीन जैन जो ये पोस्टर बांटते हुए वहाँ से गिरफ्तार हुए, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। न्योता कार्ड लिखा गया, इसके ऊपर लिखा गया श्रीमती लाचारी है वो पेंशन परेशान बुजुर्ग जी बेरोजगार संघ सो जनता की समस्या सुपुत्री श्री भाजपा सरकार एवं श्री मुख्यमंत्री खट्टर भाजपा राज्य कार्यालय उड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक। बारात का प्रोग्राम है, बाती गुंगा विपक्ष लंच सरकार के झूठे आश्वासन, बारात चढ़ाई दोपहर 12 बजे फेरे CM की मर्जी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस पोस्टर के ऊपर लिखी गई थी। और ये पोस्टर बांटते हुए जो है नवीन जैन को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद ये सेक्टर 11 का थाना यहाँ लेके आया गया है उनको। तो आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीर आप IBN 24 पर चंडीगढ़ से देख रहे हैं। नवीन जैन की भाभी सुमन सांगवान है उसको भी चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उनके साथ थी। और ये पोस्टर जो है वो विधानसभा के बाहर बांटे जा रहे थे। लगभग हाईकोर्ट चौक के आसपास की ये घटना है जहाँ पर नवीन जैन को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उनको चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा जो चंडीगढ़ का सेक्टर 3 थाना है वहाँ लेकर जाया गया। उसके तुरंत बाद जब मीडिया वहाँ पहुँची तो उससे पहले उसको निकाल कर क्राइम ब्रांच यूनिट जो है चंडीगढ़ पुलिस की सेक्टर 11 का जो थाना है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो सेक्टर 11 थाने में है। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार नवीन जैन के साथ उसकी भाभी सुमन सांगवान को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीरें आप IBN 24 पर चंडीगढ़ सेक्टर 11 थाने के बाहर से देख रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल नवीन जैन को जो गिरफ्तार किया गया ये पहला मौका नहीं है नवीन जैन की गिरफ्तारी का। इससे पहले भी नवीन जैन को गिरफ्तार किया गया था रोहतक पुलिस के द्वारा एक मामले में। उसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर एक मामले में और नवीन जैन को लिया गया था। उसके बाद पानीपत पुलिस ने जो है नवीन जैन को फिर प्रोडक्शन वारंट पर लिया था एक मामले में पूछताछ के लिए। फिलहाल नवीन जैन 10 दिन के बाद जो है रिहा हुए थे। लगभग 10 दिन के बाद जो रिहा हुए थे, रिहा होने के 2 दिन बाद ही नवीन जैन ने ऐलान कर दिया था जेल के बारे में काफ़ी कुछ बातें जो है बोली थी। और फिलहाल सेक्टर 11 क्राइम ब्रांच यूनिट जो है वहाँ पर नवीन जैन को और उसकी भाभी सुमन सांगवान को रखा गया है। तो आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीरें आप IBN 24 पर चंडीगढ़ सेक्टर 11 से देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।